देखिए, अब हम फिजिक्स क्लास 12 में यूनिट 3 के अंतर्गत आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में गति किस प्रकार होती है उसके बारे में अध्ययन करें। ठीक है, तो देखिए, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति होती है, क्योंकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार उस पर लगने वाला जो बल होता है वो आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्य करता है जो उसे वृत्तीय मार्ग में घुमा देता है। ठीक है, तो देखिए, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र में उसका मार्ग वृत्ताकार होता है। क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र में उसका मार्ग वृत्ताकार होता है तथा वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक अविकेंद्रीय बल आवेशित कण पर लगने वाले लॉरेंज बल से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि उसको वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए अविकेंद्रीय बल कहाँ से मिलता है? चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाले लॉरेंज बल। इसलिए लॉरेंज बल किसके बराबर हो जाएगा? अविकेंद्रीय बल के। ठीक है, इसलिए लॉरेंज बल बराबर अविकेंद्रीय बल। ठीक है, तो लॉरेंज बल क्या हो जाएगा? QVV। ये लॉरेंज बल का अधिकतम मान होता है। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो लॉरेंज बल अधिकतम कार्य करता है, बराबर अविकेंद्रीय बल MV² / R, जहाँ Q क्या है लिख दे रहा हूं मैं, जहां Q कण पर आवेश, V क्या है आवेशित कण का वेग, इतने वेग से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, आवेशित कण का वेग। B क्या है जिस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। M क्या चीज है? आवेशित कण का द्रव्यमान। भी पहले ही बता चुके हैं। वेग। R क्या चीज है? उस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, जिस वृत्तीय मार्ग में आवेशित कण गति कर रहा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। बी से बी तो कैंसिल हो जाएगा, एक बी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा? QB = MV/R। सबसे पहले हम यहाँ से R की वैल्यू निकाल दें तो R बराबर क्या आ जाएगा? MV/QB। इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। चाहे तो देखिए हम यहाँ से एक चीज़ और निकाल सकते हैं,
एम क्या चीज है, द्रव्यमान, सॉरी एक चीज और निकाल दें, आर बराबर पी बटे क्यू बी, क्योंकि पी बराबर क्या होता है एम बी, पी क्या है आवेशित कण का संवेग। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए क्यू क्या है नियतांक है, बी भी नियतांक है, इसको यहाँ से हटाएंगे तो समानुपाती लगा सकते हैं, तो आर समानुपाती क्या बन जाएगा पी। इसका मतलब ये हुआ कि वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या किस पर निर्भर करती है, संवेग पर। यदि आवेशित कण का संवेग अधिक होगा तो वो अधिक त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति करेगा, ठीक है। तो यदि आवेशित कण कम वेग से गति कर रहा है अर्थात उसका संवेग कम है तो वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या कम होगी, यदि वो अधिक वेग से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है अर्थात अधिक संवेग से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या अधिक होगी। आवेशित कण की त्रिज्या, आवेशित कण की वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है, कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है। अब आता है आवेशित कण का कोणीय वेग, आवेशित कण का कोणीय वेग, कोणीय वेग, देखिए जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, चूंकि भी बराबर होता है आर ओमेगा, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, यहां से हम ओमेगा बराबर निकालेंगे तो जाया जाएगा भी बटे आर, आर की वैल्यू रख दें अभी हमने निकाली थी तो क्या हो जाएगा ओमेगा बराबर भी और आर की, तो ओमेगा बराबर भी बटे आर की वैल्यू कितनी आई थी एम भी बटे क्यू बी, चूँकि अभी हमने समीकरण एक बनाया था ना वहाँ पर आर बराबर एम बी बटे क्यू बी, देखिए भी से भी कैंसिल हो जाएगा और बटे के नीचे बटे पलट जाएगा तो ओमेगा बराबर आ जाएगा क्यू बी बटे एम, ठीक है। तो जी हमारा कोणीय वेग आ जाएगा। अगला पॉइंट आएगा आवर्तकाल, आवेशित कण का आवर्तकाल, यानी कि एक वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगेगा, आवर्तकाल, आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है टू पाई बटे ओमेगा, ठीक है, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है आप जानते हैं, तो टी बराबर टू पाई जैसे का जैसा, ओमेगा की वैल्यू रख दो कितनी है ओमेगा की वैल्यू क्यू बी बटे एम, बटे के नीचे बटे पलट जाएगा तो टी बराबर आ जाएगा टू पाई एम बटे क्यू बी, ठीक है। तो आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, उस आवेशित कण के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, आवेशित कण के वेग और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। तो इस बात को हम लिख सकते हैं आवेशित कण का आवर्तकाल, आवेशित कण का आवर्तकाल, आवर्तकाल कण के वेग भी तथा त्रिज्या आर, आर पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है। अब आता है आवृत्ति, तो इसकी आवृत्ति निकालें, आवेशित कण की आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, आवृत्ति को मैं f बराबर मान रहा हूं, तो आवृत्ति बराबर एक बटे आवर्तकाल, तो f बराबर एक बटे कितना आया था टू पाई एम बटे क्यू बी, पलट जाएगा तो कितना बचेगा f बराबर क्यू बी बटे टू पाई
एम। तो ये आवेशित कण की आवृत्ति के लिए व्यंजक है, इसे हम साइक्लोट्रॉन आवृत्ति भी कहते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर साइक्लोट्रॉन का निर्माण किया गया है। साइक्लोट्रॉन आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। इसी के सिद्धांत पर साइक्लोट्रॉन का निर्माण किया गया। अब आती है आवेशित कण की गतिज ऊर्जा। आवेशित कण की गतिज ऊर्जा कण की गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, एक बटे दो एम भी स्क्वायर। भी की वैल्यू रख दें हम, तो भी का मान हमने कहाँ से निकाला था, जो समीकरण एक है। देखिए समीकरण एक जे था, चूंकि समीकरण एक जे था आर बराबर एम भी बटे क्यू भी, यहाँ से हम भी का मान निकालेंगे तो जे इधर आ जाएगा और एम से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर रख दें के बराबर एक बटे दो एम, भी की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, आर क्यू बी बटे एम, और जब वर्ग है तो वर्ग, तो के बराबर आ जाएगा एक बटे दो एम आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बटे एम स्क्वायर, एक एम से, तो के बराबर आ जाएगा एक बटे दो आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बटे एम। यह आवेशित कण की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है, ठीक है। नीचे लिख देना, यह गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है। तात क्षणिक शक्ति क्या होता है, पी बराबर एफ डॉट वी। जो एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने ग्यारहवीं में शक्ति का, पी बराबर इसको हम खोल दें एफ वी कॉस। अब दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि देखिए बल और आवेशित कण का वेग दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं बाएं हाथ के नियमानुसार। P बराबर कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जे हम इस तरह से हमारा जे तात क्षणिक शक्ति ज्ञात हो जाता है। तो इस तरह हमारा जे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट होता है कि विद्युत बल तथा चुंबकीय बल में अंतर लिखिए, अर्थात विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर लिखिए। तो देखिए एक साइड हम क्या करेंगे, विद्युत बल और एक साइड चुंबकीय बल। विद्युत बल इधर में चुंबकीय बल या लॉरेंज बल, चुंबकीय बल, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट, विद्युत बल का फॉर्मूला जो होता है F बराबर क्यू ई, हमने अध्याय एक में पढ़ा था। तो विद्युत बल आवेशित कण के परिमाण तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। विद्युत बल F बराबर क्यू ई के अनुसार विद्युत बल आवेश की मात्रा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल का फॉर्मूला जाता था एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। तो चुंबकीय बल का जो मान होता है वो आवेश की मात्रा, आवेश के वेग, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा वेग की दिशा पर निर्भर करता है। ये थीटा क्या बताता था, आवेश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता था। तो ये क्या बताता था, आवेश की दिशा को बताता था। तो देखिए चुंबकीय बल आवेश की मात्रा कोमा वेग, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा उसकी दिशा पर निर्भर करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो होता है कि यदि आवेश स्थिर अवस्था में है तब भी उस पर विद्युत बल कार्य करता है, ठीक है, क्योंकि जो विद्युत बल है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है, इसमें वेग कहीं भी नहीं है। तो विद्युत बल
यदि आवेश स्थिर अवस्था में है तो उस पर विद्युत बल कार्य करता है, ठीक है। लेकिन चुंबकीय बल में यदि आवेश स्थिर अवस्था में है तो भी बराबर जीरो होगा, तो उस पर चुंबकीय बल कार्य नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ, इस पॉइंट को हम ऐसे लिखेंगे कि स्थिर अवस्था में आवेशित कण पर विद्युत बल कार्य करता है, स्थिर अवस्था में आवेशित कण पर चुंबकीय बल कार्य नहीं करता, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्षेत्र में आवेशित कण पर कार्य किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर कोई कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए कोई कार्य नहीं किया जाता है। चौथा पॉइंट है कि विद्युत बल सदैव विद्युत क्षेत्र के अनुदिश कार्य करता है, ठीक है। अनुदिश या तो उस पर आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो या तो वो उसको अपनी ओर खींचेगा उसी दिशा में, या उसी दिशा में उसको प्रतिकर्षित कर देगा। तो विद्युत बल सदैव विद्युत क्षेत्र के अनुदिश कार्य करता है, किंतु चुंबकीय बल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्य करता है, ठीक है। चुंबकीय बल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्य करता है, क्योंकि जिसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू होता है, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्य करता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि यदि कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इसका मार्ग परवलयाकार होता है। और इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग वृत्ताकार होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले कण का मार्ग परवलयाकार होता है, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले कण का मार्ग वृत्ताकार होता है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त। तो देखिए ये सवाल है हमारा, एक प्रोटॉन जिस पर आवेश दिया है चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है, जिसकी तीव्रता दी है 2000 गॉस एक्स अक्ष की ओर। तो प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिखेंगे, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया, प्रोटॉन पर आवेश यानी Q बराबर 1.6×10^-19 कूलम, ठीक। उसके बाद क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी B बराबर 2000 गॉस। तो जिस CGS में दिया है इसको MKS में बदलना है हमें। तो देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक सूत्र बताया था कि एक टेस्ला बराबर होता है 10^4 गॉस या ऑरेस्टेड। तो एक गॉस बराबर क्या हो जाएगा, 10^-4 टेस्ला, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, समझना यहाँ पर, ये 2000 और जो हो जाए 10^-4 टेस्ला। इसको और कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये 10^3 और जी 10^ कितनी है, -4, तो कितना बचेगा, 2×10^-1 और कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 टेस्ला, ठीक है। जी मैंने MKS में कन्वर्ट कर दिया। तो प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए यानी F बराबर ? ठीक है। अब पहला पॉइंट दिया, जब प्रोटॉन का प्रारंभिक वेग 0 है तब उस पर कितना बल लगेगा, और इसकी दिशा और लिख देना है, तीव्रता की दिशा जी किधर है, x दिशा में जी हमें सवाल में दी गई है, इतनी तीव्रता कौन सी डायरेक्शन में कार्य कर रही है, x दिशा में, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें साफ कर दे रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट प्रोटॉन का प्रारंभिक वेग भी बराबर कितना दिया, 0। तब F बराबर क्या होता है, फॉर्मूला qvb sin थीटा। अब v की वैल्यू 0 है तो F का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
यानी कि प्रोटॉन पर कितना बल कार्य करेगा? कोई बल कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन कैसी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में। और स्थिर अवस्था में कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है, आवेशित कण पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। फिर क्या दिया सेकंड पर? प्रोटॉन का प्रारंभिक वेग 2×10^7 मीटर प्रति सेकंड बाय दिशा में है। ठीक है, तो दूसरा, प्रोटॉन का प्रारंभिक वेग भी बराबर 2×10^7 मीटर प्रति सेकंड कौन सी दिशा में दिया है? जी, बाय दिशा। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन सी डायरेक्शन में कार्य कर रही है? एक्स डायरेक्शन में। आवेश किधर गति कर रहा है? बाय डायरेक्शन में। ठीक है, तो आवेश की गति की दिशा हो गई जी बाय डायरेक्शन। अब दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 90 डिग्री, इसलिए लगने वाला बल एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। सबके मान रख दें, क्यू का मान दिया 1.6, बी का मान 2×10^7, बी का मान 0.2 और साइन थीटा की वैल्यू 90। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 का 0.2 से गुणा करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, और 0.4 का 1.6 से करेंगे तो जो हो जाएगा 0.64। 10^-19 और 10^+19, तो 10^ कितनी बचेगी? -12 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, चूंकि साइन 90=1। इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो जो दशमलव है उसको हम 6 के बाद लाना चाहेंगे, तो जब ये 6 के बाद कब जाएगा, एक अंक बाद कब जाएगा? जब इसमें 10 से गुणा करेंगे, और 10 से गुणा करेंगे तो 10 से भाग भी देना पड़ेगा। तो देखिए 10 से गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 6.4, और 10 से भाग देंगे तो इसकी 1 कम हो जाएगी यानी माइनस होगी, तो माइनस होने से जो क्या हो जाएगा? 10^-13। ठीक है, यानी -12 में से माइनस कम करेंगे 1 तो क्या हो जाएगा? -13। तो इतना न्यूटन का बल उस पर कार्य करेगा। तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा चुंबकीय क्षेत्र के, तो उस पर इतना बल कार्य करेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या दिया है? तीसरा पॉइंट जे दिया है, प्रोटॉन का प्रारंभिक वेग भी बराबर 2×10^7 मीटर प्रति सेकंड कौन सी डायरेक्शन में? एक्स दिशा। ठीक है, तो देखिए बी की डायरेक्शन और आवेश भी किधर करा? एक्स डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? थीटा बराबर 0। ठीक है, ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तब लगने वाला बल एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है, लेकिन थीटा की वैल्यू जैसे ही 0 करेंगे तो साइन 0 का मान होता है 0, तो क्या हो जाएगा जी? साइन 0 का मान 0 होने से जो पूरा बल कितना जाएगा? 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश कार्य करेगा तो उस पर कोई भी लॉरेंज बल कार्य नहीं करेगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन